बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूँ दानियाल इकबाल। और मैं हूँ राबिया जफर। खबरनगर के आगाज पर रुख करेंगे उच्च शरीफ से, जहाँ पर लल्लू वाली पुल टूट फूट का शिकार, हादसा के खदशात बढ़ गए। मजीद अहवाल जानेंगे सैयद इमरान हुसैन बुखारी की इस रिपोर्ट में। उच्च शरीफ लल्लू वाली पुल जो कि बहुत ज्यादा खस्ता हालत का शिकार है, जिसकी वजह से घंटे घंटे ट्रैफिक जाम रहती है, कभी भी किसी बात बड़ा हादसे का सबब बन सकती है। इलाका मतीन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाका मतीन का अलावकाम से अपील है, इस लल्लू वाली पुल को जल्द से जल्द तमील करवाया जाए। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां भाराकहू नई आबादी में गैर जरूरी तजावजात की वजह से ट्रैफिक जाम, शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे फैसल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद बाराकोट नई आबादी में गैर जरूरी तजावजात की वजह से ट्रैफिक जाम, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। इंतजामिया खामोश, चौक में गाड़ियों की गलत पार्किंग की वजह से घंटा घंटा ट्रैफिक जाम रहती है और रोड की इंतहाई खस्ता हालत है कि रोड पर गंदे पानी की नहरें बहती हैं। मंतखब नुमाइंदे ठंडा दूध पी के सो रहे हैं। अलिया ने नई आबादी से आला अकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो करेंगे पसरूर का, जहां अंजुमन तलबाए इस्लाम ने दीगर जमातों के हमराह एहतजाज की कॉल दफा 144 और कोरोना वायरस की वजह से वापस ले ली, जबकि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तौहीन इस्लाम का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अलमास बेग की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हर दौर में तकदीसे रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सभी सिलसिलाए रस्में सियासत का फसू, फ़कत एक नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। दोस्ताने जीवकार, चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के MNA ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये तोहीन की थी, तोहीन इस्लाम की थी कि कोई भी मज़हब किसी भी दूसरे मज़हब के ऊपर फोकियत नहीं रखता। उसके खिलाफ हमने आज एक एहतजाज की काल दी हुई थी कि ख्वाजा आसिफ की फौरी तौर के ऊपर असेंबली की रुकनियत भी मंसूख की जाए और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 295C के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाए, जिसके ऊपर SHO थाना सिटी पसरूर ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इंतज़ामिया के साथ तावन करें। 144 की सूरत हाल है और COVID-19 की सूरत हाल है, इस सारे मामले के ऊपर आप जो है ना वो इंतज़ामिया के साथ तावन करते हुए लीगल वे इस्तेमाल करते हुए एहतजाज को मंसूख करें और एप्लीकेशन एक सबमिट करें। और इस एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने हमें इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा मौकफ ये है कि ख्वाजा आसिफ ने जो तोहीन इस्लाम की है वो नज़रिया पाकिस्तान और नज़रिया इस्लाम का मुर्तकब ठहरा है, वो फौरी तौर पे उसकी असेंबली रुकनियत मंसूख की जाए। हम एक हफ्ते का टाइम देते हैं, एक हफ्ते का टाइम है पाकिस्तान की एजेंसियों के पास, पाकिस्तान के बाशऊर और मुकद्दस अदारों के पास एक हफ्ते का टाइम है। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाएगी तो फिर सिर्फ ना सिर्फ शहर पसरूर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नगर नगर चप्पे चप्पे के अंदर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एहतजाज होगा। और हमारा ये मुतालबा है कि आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर फवाद चौधरी को गाली दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। फवाद चौधरी ख्वाजा आसिफ को गाली दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर अगर कोई भी कमज़र्फ बेज़मीर जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो इस्लामी रियासत के अंदर खड़े होकर एक शेर बन के इस्लाम का दिफा नहीं कर सकता तो फिर हम उसको ये इजाज़त भी नहीं देंगे कि वो कुत्ता बन के इस्लाम के ऊपर भौंके। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां सूबाई वजीर पीर सैयद समसाम अली शाह बुखारी की मियां मोहम्मद अनवर मरहूम की रहायशगाह चक नंबर 14-1L आमद, मियां मोहम्मद अनवर मरहूम के बेटों से इजहार ताजियत किया। रिपोर्ट कर रहे हैं उसामा रहमानी।
जी उकाड़ा सूबाई वजीर पी सैयद शमसाम अली शाह बुखारी की मियाँ मोहम्मद अनवर मरहूम की रहायशगा चक नंबर 14-1 आमद। सूबाई वजीर पी सैयद शमसाम अली शाह बुखारी मियाँ मोहम्मद अनवर मरहूम की रहायशगा पर पहुँच गए। मियाँ सुहेल अनवर एडवोकेट, मियाँ रोहेल अनवर एडवोकेट, नुमान अनवर एडवोकेट, उनके वालद मियाँ मोहम्मद अनवर मरहूम के लिए दुआए मगफरत की गई। उनकी रहायशगाह पर ताज़ियत की और दुआए खैर भी की गई। पी सैयद शमसाम अली शाह बुखारी ने कहा, मियाँ मोहम्मद अनवर मरहूम मेरे बहुत ही अच्छे और दरीना साथी थे। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे आज भी उनकी कमी महसूस हो रही है। इस मौके पर सुहेल एसन बट्टी पैमरा लाहौर, चेयरमैन मार्केट कमेटी बाबर चौधरी, जब्बार खान, राय इमरान, मोहम्मद वसीम और दीगर अफराद ने मियाँ मोहम्मद अनवर मरहूम की रहायशगाह पर ताज़ियत की और दुआए खैर की। जी करेंगे अटका, जहां तब्दीली सरकार के एमएनए का इलाका NA56 पसमानदगी का शिकार। इलेक्शन से कबल वादे किए गए मगर बाद में अहले इलाका को अपनी मदद आग के तहत गलियों को पुख्ता करवाना पड़ा। मजीद अहवाल जानेंगे अटक से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नदीम से। जी नदीम, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इलाका है अटक जबी कस्बा और पिन न्याजी का इलाका है, जहाँ पर हल्का NA56 का इलाका है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA का इलाका है, जिन्होंने वोट से पहले बहुत वादे किए तब्दीली के कि इस इलाके को गैस की जो फरामी है वो यकीनी बनाई जाएगी। बड़ा मसला जो है वो इस इलाके का गैस का है और साथ साथ जो गली मोहल्ले और मेन रोड है वो टूट फूट का शिकार थी, जिसके वादे किए गए कि तब्दीली के बाद यहाँ पर तब्दीली नज़र आएगी, लेकिन 2 साल का जो अरसा है वो बीत चुका है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी, जिससे अहले इलाका ने मायूसी का इजहार करते हुए अपनी मदद आप के तहत गली मोहल्ले और अहले इलाका ने कसीर तादाद में अपनी जेब से पैसे निकालकर जो मेन रोड है जबी कसरा से पिन न्याजी तक, उसको खुद अपनी मदद आप के तहत मुकम्मल किया। मजीद अहले इलाके का कहना है कि अगली बार किसी को हम इस तरह वोट नहीं देंगे जो अपने इलाके को कंप्लीट ना कर सके, झूठे वादे करे, उनको कभी हम वोट नहीं देंगे। कैमरामैन मलिक कामरान के साथ मोहम्मद नदीम, ANN न्यूज अटक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से, जहां अल्लाह आबाद में बा असर अफराद ने गरीब खानदान के घर में घुसकर अहले खाना को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया, घर का सामान उठाकर गली में फेंक दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खान। खानदान का पुलिस इंतजामिया से इंसाफ का मतालबा। बा असर अफराद ने सुबह सवेरे घर की छत फाड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाया। हम घर में सो रहे थे, 20 से 25 अफराद हमारे घर में घुस आए और बा असर अफराद मकान खाली करवाना चाहते थे। हमें, हमारे बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। हमारे घर का सामान तमाम गली में फेंक दिया गया। डंडों और सोटों से मारा पीटा गया। हमारे घर में दाखिल होने वाले 11 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गरीब खानदान गुंडों ने हमारे घर से कीमती सामान चुरा लिया और पुलिस चौकी इलाहाबाद के अहलकार अगर टाइम पर ना आते तो शायद हमारा कोई जानी नुकसान हो जाता। जी करेंगे चमन का, जहां ईद कुर्बान की आमद आमद है मगर पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश की वजह से मवेशी मंडियां वीरान और माल की शदीद किल्लत के बायस कीमतें भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अतार। जी इमरान अतार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद आमद है। मैं इस वक्त चमन के मरकजी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मवेशी की शदीद कमी नज़र आ रही है। माल मवेशी की कमी की खास वजह चमन पाक अवाम बॉर्डर की बंदिश है, जो अरसा 4 माह से बदस्तूर बंद है और माल मवेशी से समेत तमाम तजारती सरगर्मियाँ मअतल है। इस माल मवेशी की हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में आमद होती है, जो कि बॉर्डर की बंदिश से माल मवेशी की शदीद किल्लत पैदा हुई। जो मवेशी कम तादाद में मौजूद है, इसकी नरखों के हवाले से यहाँ के व्यापारी और खरीदार से पूछे। जी आप लोगों का क्या मुतालबात है? जी बिल्कुल, तकरीबन 4 माह से पाक अफगान बॉर्डर जो है ना वो बदस्तूर बंद है। यहाँ पर
تجارتی سرگرمیاں بھی معطل ہے پچھلے سال کی بنسبت اس سال مال مویشی منڈی میں جو آپ نے دیکھا ہے خاص کمی نظر محسوس ہو رہی ہے اور یہاں کی جو نرخیں وہ بھی ڈبل ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے یہ یہاں پر بیوپاری حضرات اور خریدار حضرات کا یہ مطالبہ ہے کہ پاک اغوام بارڈر کو بلپور کھولا جائے تاکہ یہ مال مویشی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بڑھ جائے جی ان کا کہنا ہے کہ اس سال عید قربان غریب عوام کی سخت کو سخت متاثر ہو گئی اور مویشی کی قیمتیں عام عوام کی پہنچ سے دور ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ چمن پاک عوام بارڈر کو بلپور کھولا جائے تاکہ لوگ سنت ابراہیمی کو پورا کر سکے جی بہت شکریہ عمران عطار اپڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے کرم پور سے جہاں اوباش نوجوان کی 5 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی مزید تفصیلات جانیں گے زاہد اقبال کی اس رپورٹ میں کرم پور کا نواحی علاقہ بستی اسلام کوٹ میں غریب مزدور ظہور حسین قوم سیال کا 5 سالہ بچہ محمد ریان گلی میں کھیل رہا تھا کہ ان کا ہمسایہ اوباش نوجوان عبداللہ عرف دلی قوم شیخ بچے کو کبوتر دکھانے کے بہانے اپنے گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچہ کی چیخ و پکار پر مقامی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بچے کو خون میں لت پت زخمی حالت میں آر ایچ سی کرم پور ہسپتال لایا گیا۔ میڈیکل کے بعد تھانہ کرم پور ایس ایچ او الطاف حسین بروانہ نے بچے کے والد کے مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم عبداللہ عرف دلی کو گرفتار کر لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد اقبال، اے این این نیوز، کرم پور۔ رخ کریں گے کوٹ ادو کا جہاں تھانہ محمود کوٹ کی حدود میں جعلی پیر نے جن نکالنے کے دوران بچے کی جان لے لی۔ ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج، گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری۔ مزید تفصیلات جانیں گے نیاز احمد کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، یہ کوٹ ادو کا نوئی علاقہ آڑا اکبر شاہ میں غفار نامی جعلی پیر نے 15 سالہ بچے کو 1 گھنٹہ بند کمرے میں آگ، تیل اور دھوئیں سے بچے کے جن نکالنے کا ڈھانگ کیا۔ حالت غیر ہونے پر بے ہوش بچہ ورثا کو دیا اور جنات سے ڈرا دھمکا کے روانہ کیا۔ بچے کا منہ جلس چکا تھا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کمسن بچہ جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ محمود کوٹ میں جعلی پیر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی خبر شامل کریں گے وہاڑی سے، جہاں کرونا وائرس کے پیش نظر لاہور سے براستہ وہاڑی کراچی جانے والی فرید ایکسپریس تاحال بند ہے، جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بشیر چودھری۔ وہاڑی کرونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر اور دیگر اداروں کی طرح ریلوے کو معطل کر دیا گیا تھا، مگر اب وفاقی وزیر ریلوے نے ایس او پیز کے تحت ملک بھر میں 40 ٹرینیں چلا دیں، مگر لاہور سے براستہ وہاڑی کراچی جانے والی واحد فرید ایکسپریس تاحال بند ہے، جس کی وجہ سے مسافر پریشان ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کے تحت فرید ایکسپریس چلائی جائے۔ مسافروں نے مزید کہا کہ ریلوے کا سفر سستا اور محفوظ ترین ہے، جس سے شہریوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 300 مسافر لاہور اور کراچی آتے جاتے ہیں، جس سے پاکستان ریلوے کو لاکھوں کی آمدنی بھی ہوتی ہے۔ لہذا شہریوں نے حکومت سے ایس او پیز کے تحت ٹرین چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رخ کریں گے گجرات کا، جہاں طلبہ گینگ ایک بار پھر سرگرم۔ تھانہ رحمانیہ کے علاقہ سروس موڑ میں مخالف گینگ کے 25 سالہ طالب علم کو تشدد کر کے قتل کر ڈالا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے مرزا اویس بیگ کی اس رپورٹ میں۔ گجرات میں طلبہ گینگ ایک بار پھر سرگرم۔ فوٹیج میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان ہوائی فائرنگ بھی کر رہے ہیں، جشن بھی منا رہے ہیں اور نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ طلبہ کی ویڈیو منظر عام آنے کے بعد پولیس نے متوفی ابو ہریرہ کے چچا یوسف کی مدعیت میں 10 نامزد اور 5 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے۔ تاہم پولیس ابھی تک کسی ایک بھی ملزم کو گرفتار نہ کر سکی۔ دو گروپوں کی آپس کی لڑائی ابو ہریرہ کی جان لے گئی ہے۔ گجرات میں اسٹوڈنٹ فورس کی متعدد گینگ آپس میں چوکوں، چوراہوں اور سڑکوں پر اسلحہ لہراتے اور ڈنڈے لہراتے
सड़कों में घूमते हैं। गुजरात में सरकारी और निजी कॉलेजेस के मुतअद्दिद तालिब इलम गैंगस्टर हैं जो अपनी अपनी दाग बिठाने के लिए सरेआम सड़कों पर हवाई फायरिंग करते हैं और फिर खौफ-ओ-हलास फैलाकर इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। माजी में भी मुतअद्दिद तालिब इलम तशद्दुद लड़ाइयों की बिना पर गिरफ्तार हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी भी हो चुके हैं और इन वाकयात में मुतअद्दिद तालिब इलम जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। मगर जिला गुजरात में कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे वाकयात को रोकने में नाकाम दिखाई देते हैं जो ऐसे तालिब इलम गैंग को नहीं पकड़ सकते। इंसान तरक्की की मंजिल तय करता हुआ पत्थर के ज़माने से डिजिटल दौर में दाखिल हो चुका है, मगर पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां किसान आज भी बैलों के जरिए रवायती तरीके से हल चलाकर काश्तकारी करते हैं। करोड़ पक्का से देखते हैं हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। पहली बांध पर उठकर खेतों में जाना और बैलों की मदद से खेतों में हल चलाना जफाकश किसान की अलामत समझा जाता था। खेतों में हल चलाते बैलों की जोड़ी के गले में बांधी हुई घंटी की मुदर आवाज की धुन में किसान दुनिया जहां से बेनियाज होकर हल की मदद से जमीन का सीना चीरकर नई फसल की काश्त के लिए खूब मेहनत करता था। फिर वक्त ने अंगड़ाई ली और सैंसी तरक्की ने रिवायती काश्तकारी को यकसर तब्दील करके रख दिया। रिवायती हल की जगह पर ट्रैक्टर की मदद से खेतों में हल चलाए जाने लगे। ऐसे किसान के वक्त और जिस्मानी मशक्कत में तो बचत हुई, मगर इसका बराह रास्त असर किसान की जेब पर पड़ा। सुबह सवेरे बैलों को लेकर खेतों में जाना भी किस्सा पारीना हो गया है। फिर एक बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से तंग किसानों ने काश्त पर अपनी लागत कम करने के लिए दोबारा रिवायती काश्तकारी अपनाने का फैसला किया है, जिससे बैलों के जरिए खेतों में हल चलाकर किसान काश्तकारी करते हुए नजर आते हैं। दांतों के जरिए हल बहने पे हैं, ट्रैक्टर नहीं गिदे वेंदे, बहुत महंगा है, तेल महंगा है, दान सा कुछ सस्ते पौने, जमीन अच्छी बन दी है, हल अच्छे बहने, दाना की वर्दिश थी, सारी वर्दिश थी, सवेरे चार बजे उठी दे, पाँच बजे हल जोने हैं, जनाब अच्छा प्रोग्राम है सारा, ट्रैक्टर जरा है नहीं, असा को तेल खर्चा बर्दाइश नहीं थी। मेरा नाम जुल्फकार अली खान है, जड़न का असा होश संभाले साढ़े बजुर्ग जड़े काश्तकारी बैलों नाल करें दे। ते उन वेले बड़ा फसलों बरकत होंगी है, लोगों प्यार होंदा, मुहब्बत होंदी, इतिहाद होंदा, लोगों को टाइम होंदा, गपशप लावण दा, शाम को बैठक करन दा। लेकिन उनके बाद ऐसा ऐसा मशीनी दौर आ गया, ट्रैक्टर आ गया, जिन्हें ट्रैक्टर है उड़ाण का एक सारा सिस्टम ही खराब थी गए, लोगों को टाइम नहीं बचा, हर बंदा अपना आपो आप ही पिया हो, कोई वक्त नहीं लोगों को बह दे, एक दूजे नाल हाल हवाल वंडा सकन, प्यार मुहब्बत नाल बह सकन। असा उन चीज़ को मद्देनजर रखे होंगे ये बैल अपने डेरे दे रखे हुए हैं ताकि ये एक नुमाइश होवे बजुर्गों की, आम पुराने वक्त का साढ़े को एक असासा है, असा इन महाना नुमाइश करें हाल चलावन की, बैलों के मुकाबले लावन की, सालाना बड़ा बहुत बड़ा जलसा थी, के बड़े दूर दूर के लोग आने देखते हैरान थे कि आज के दौरे ही इन्होंने डांद रखे हैं और एक प्यार मुहब्बत के बधावन का साढ़े वास्ते एक जरिया है ताकि लोग आवन वाला जेडे निक्की छोटी औलाद है, छोटे बाल हैं, उन्होंने कोई पता लगे कि साढ़े बजुर्ग कि हल किस तरह की मुश्किल जिंदगी गुजारी। आज के तरक्की याफ्ता दौर में एक ज़राई मुल्क में बैल की जोड़ी में हल जोतकर रिवायती तरीके से हल चलाना हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों पर सवाल निशान है। अगर हुकूमत किसानों को डीजल की कीमतों पर खसूसी सब्सिडी दे तो इसके बदले में किसान टाइम और पैसे की बचत के साथ साथ अजनास की पैदावार में भी मुल्क की सतह पर इजाफा कर सकते हैं। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन करिंद, ANN न्यूज, कहरोड़ पका। खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का कहना है कि कोरोना वायरस SOPs के तहत मवेशी मंडियां खुली जगहों पर लगाई जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली अवान।
डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ईद उल अज़हा के सिलसिले में ज़िला भर में मवेशी मंडियों के इंतजाम और उनके क्याम के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ। DPO सैयद करार हुसैन, ADCG मलिक मुश्ताक हुसैन नाइज, ACHRM मोहम्मद अशरफ साले, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने कहा कि अवामी सहूलत के पेश नज़र ईद उल अज़हा के सिलसिला में 15 जुलाई से ज़िला भर के 4 मकामात पर मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट्स कैम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतजामिया की जानब से कायम करदा मवेशी सेल पॉइंट्स के अलावा खुलेआम मवेशी फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की मुतलका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को मवेशी मंडियाँ गुज़श्ता साल की निस्बत वसी जगहों पर कैम करने की हदायत। उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियाँ वसी जगहों पर कैम की जाएँ ताकि समाजी फासले की बुनियादी असूल पर अमल दरामद में किसी तौर पर भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। खबर नगर से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNST.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बो लाइन है। इसी के साथ राबिया जफर और दानियाल इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।